शॉपिंग कर रहे हैं, हम शहरी की शॉपिंग कर रहे हैं, शहरी की शॉपिंग हो गई है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज हम लोग शहरी के कुछ शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं, उसके कपड़े एंड और। उसके अलावा आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ में शेयर की है। मेरी प्रेगनेंसी की कुछ जर्नी मैंने आपके साथ में शेयर की है, प्लस उसके साथ में जो लड्डू वड्डू बनाए जाते हैं डिलीवरी के टाइम, वो कैसे बनते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है वो, और कुछ प्रेगनेंट वुमेन के लिए प्रेगनेंसी के बाद के लिए कुछ डिलीवरी जिनका हुई है, न्यू मॉम्स के लिए भी कुछ मेरी तरफ से जो मुझे बातें कहनी थी आपसे वो मैंने शेयर किए। तो प्लीज़ आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक के देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो गाइस, हम लोग आए हैं सेंट्रल क्रूज के मार्केट में और यहाँ से हम लोग लेंगे अभी शहरयार के कपड़े। और स्पेशल बात ये है ये शॉप की कि यही शॉप से मम्मी सोहेल के लिए भी बचपन से ड्रेस लेते हुए आए, वो जब छोटे थे तो उनके भी ड्रेसेस यहीं से आते थे। अब उनके बेटे के शहरयार के भी ड्रेस हम लोग यहीं से लेने वाले हैं। देखते हैं आज मेरे बेटे की हम लोग क्या क्या शॉपिंग करेंगे। आएगा, परफेक्ट आएगा, ये साइड इसको देखिए। ये लड़की सो अभी जो शॉपकीपर है हम लोग को बेबी के कपड़े दिखा रहे हैं। हम लोग पसंद करते हैं उसमें से जो अच्छे लगेंगे हम लोग को, जो उस पर सूट करे, जिसका मटेरियल एकदम सॉफ्ट हो, अच्छा हो बेबी के हिसाब से, तो वो हम लोग अभी लेंगे। हाँ, ये भी मस्त लग रहा है। एक साइज बड़ा ही रह गया। सो गाइज, मुझे ना ये जो वाली डंगरी है ब्लू एंड वाइट वाली, मुझे बहुत पसंद आई थी, देखने में भी अच्छी थी, उसका जो है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी कपड़े की। सो और मैंने नोटिस किया कि ना शहरी के ऊपर है ना वाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट टी शर्ट्स एंड ऑल, तो मुझे ये अच्छा लगा था उसमें, तो उन्होंने इसको भी डन कर लिया हम लोग के लिए। कौन सा? ये वेलवेटी जैसा ब्लू वाला जो दिख रहा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। खोलो मत, कलर देख रहे भाई, कलर देख। हाँ, अच्छा लग रहा है ये। येलो जो नहीं है बोलो, येलो बहुत है मम्मी, येलो छोड़ो। ये भी अच्छा लग रहा है। और देख, ये बिस्किट कलर है। हाँ, ये भी अच्छा है, वाइब्रेंट कलर है। ऐसा कट वाला नहीं है क्या भाई? ऐसा बढ़िया है। अच्छा दिख रहा है अभी। जाने मम्मी को ये बहुत पसंद आया था तो मम्मी ने फौरन निकाला और नहीं ये हो जाएगा ना, कलर भी बहुत प्यारा था उसका और उसका पैटर्न भी बहुत अच्छा था। दो बार में छोटा हो जाएगा, इसको भी डन कर लिया। वॉश करते ही कपड़े छोटे हो जा रहे हैं उसके, है ना शेरी? 9 to 12 months आएंगे बेटा। अपने शहरी को सब बड़े कपड़े लगते हैं उसके उसके साइज से ज्यादा। आएगा। हाँ, अच्छी लग रही चड्डी भी। शेरी तो फुल एंजॉय कर रहा था, उसकी शॉपिंग हो रही थी, जो कपड़े को लगा लगा के देख रहे थे तो मज़ा आ रहा था उसको। उसको कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, वो देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। सो वहाँ पे लाइट्स वगैरह थी, अलग अलग कलर के ड्रेस थे तो वो देख के बहुत अच्छे लोग के कपड़े जो आते हैं ना, जैसा ठंडी के टाइम पे ठंडी के कपड़े, गर्मी के टाइम पे गर्मी के कपड़े, बरसात के टाइम पे बरसात के कपड़े, ऐसे रहते। और जस्ट बॉर्न बेबी से लेके 5 years 10 years तक के रहते। दस साल टेंशन नहीं इसको कपड़े लेने की, एक ही दुकान यही आ जाएंगे। भाई अंडरवेयर बताइए मम्मी, इसका बनिया ना भूल जाएंगे वरना अपन। कितना है मम्मी कपड़े? 1 2 3 4 5 6 छह ड्रेस होगा। दिस इज किधर शादी ब्याह में जाने के लिए, है ना? और ये दादी की नानी के वहाँ जाता है, कभी आता है। हाँ, कभी अपने घर पे कुछ फंक्शन रहते, कुछ रहते, ये सब पहले सही अंकल कुछ और ही पैटर्न दे। तुमको कपड़े कैसे लगे? शहर को कपड़े अच्छे लगे? अच्छे लगे तुमको? तुमको मजा आया? आया
हमारे फेवरेट्स है कि नहीं, तुम्हारे फेवरेट्स कलर है कि नहीं इसमें? नहीं है। शेरी 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 किसी करता दे देगा ले। सो गाइज अभी शेरी की शॉपिंग हो गई थी, सो अभी हम लोग निकले थे आगे मम्मी के लिए स्लीपर्स लेने के लिए, तो अभी देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। इससे दो दिन पहले हम लोग गए थे लेने के लिए, बट मम्मी का हम लोग को साइज़ नहीं मिल पाया, सब छोटी छोटी थी, मम्मी को थोड़ा बड़ा साइज़ लगता है लास्ट साइज़, तो वो नहीं मिल पाया। तो नहीं लिया, हमने सोचा मम्मी आएंगे उनके साथ ही पसंद है, मम्मी को वहाँ पे चप्पल। सो अभी हम लोग आए इसे शॉप जा रहे हैं। अपन यही वाली देख के गए थे ना लास्ट टाइम, उसमें ब्लू कलर देखे थे, पर तुम्हारा साइज का मिल ही नहीं रहा था हम लोग को, छोटी छोटी मिल रही थी। देखो डाल के अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। हम लोग का हो गया है शॉपिंग, बेबी का सब लेके, मम्मी की भी चप्पल लेके, अभी हम लोग जरा कुछ जाते हैं खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लग गई है। हमेशा आते हैं गाइस सांता क्रूज में, इन्हीं के पास हम लोग पानी पूरी रगड़ा पेटिस वगैरह खाते हैं। हाँ पानी पूरी। हम लोग हमारे घर पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी बिल्डिंग जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। इसमें सारी फैमिली हम लोग की हर फ्लोर पे। और ये बिल्डिंग की ठकुराइन किधर है, मम्मी किधर गए? पीछे से आ रहे। चलो जब तक अपन जाते हैं ऊपर जाए। हाँ चलो हम लोग जाते हैं घर पे। शेरी सो गया है। चलो हम लोग दो खोलो रे खोलो रे खोलो रे दरवाजा खोलो, हम लोग बाहर खड़े हैं। अरे फोन करना। बिल्डिंग की ठकुराइन शेरी की शॉपिंग कर रहे हैं हम। शेरी की शॉपिंग कर रहे हैं। शेरी की शॉपिंग हो गई है। सो गाइज हम लोग घर आ गए हैं, लेकिन घर आने के बाद में एक और बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ मिला है। मुझे लग रहा है आज का दिन सिर्फ मेरे शेरी का ही स्पेशल डे है। सो जैसे कि अभी हम लोग शेरी की शॉपिंग करके आ गए हैं, लेकिन इसके बाद में घर आने के कुछ टाइम बाद मेरा भाई छोटा भाई अल्तमश घर पर आया था शेरी के लिए बहुत सारा सामान लेके, तो शेरी की नानी के घर से भी सामान आया है, तो शेरी के लिए टॉयज आते हैं, कुछ आए हैं और कुछ मेरे लिए खाने का सामान आया। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, सो देखते हैं अभी। सो गाइस मैं एक एक करके सब देखती हूँ। तो ये तो सबसे पहले मैंने ओपन करके दिखा, ये थॉमस वाली ट्रेन, पता है बचपन में थॉमस एंड फ्रेंड्स का कार्टून आता थी उसमें की दिख रही है मुझे। और ये तो है स्वैन, ये तो डोरेमोन है। सो गाइस देखो ये कैक्टस भी है, और ये मेरी बहन की क्रिएटिविटी, उसने मेरी शेरी का नाम भी लिखी है इसके ऊपर। हाउ क्यूट। तो देखते हैं अभी हम लोग इसको ओपन चालू करके देखते हैं। हेलो वाओ इट्स वर्किंग। शेरी शेरी यार ओ माय गॉड ये तो हर चीज़ कॉपी कर रहा है यार। मेरा शेरी तो देखे बहुत खुश हो जाएगा इसको। So the other thing is this, this is a feeding kit, 4-in-1 feeding series लिखा है इसके ऊपर। सो लाइक इसमें अभी तो बेबी छोटा है, मतलब वो 6 months का हो जाएगा, या जब हम लोग उसका फीड जो है नॉर्मल वाला सीरियल्स वाला जो चालू करेंगे तो वो उसके लिए काम आएगा गाइस। तो ये भी बहुत प्यारा है, शेरी की नानी ने दिया है, तो शेरी की तरफ से नानी को बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज शेरी सब टॉयज़ देखे तो बहुत खुश होने वाला है आई एम श्योर। इतनी सारी कलरफुल चीज़ें एक्चुअली उसको बहुत पसंद है, और नॉइस वाली चीज़ें भी बहुत ध्यान से सुनता है, मतलब जहाँ से भी आवाज़ आती है ना वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है, देखता है। तो जितनी भी चीज़ें उसकी नानी ने भेजी है वो बराबर उसको देख के बहुत खुश होने वाला है। सो
सो गाइज ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, ये है मेरे मेथू के लड्डू, मेथी के और ड्राई फ्रूट्स के, ये है ड्राई फ्रूट्स ही उसमें पूरा भरा हुआ, ये है मेरी अजवाइन। तो गाइज जब से शेरी पैदा हुआ है तो मैंने ये सब चीज़ें अपने डाइट में रखी है रेगुलर, बिकॉज इससे आपको पता है अगर आपका छोटा बेबी है तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अजवाइन जो कि मैं स्टार्टिंग से खाती आई हूँ, तो ये बेसिकली मेरे बेबी को कभी कोई गैस का इशू नहीं होने देता है, उसका पेट दर्द जो होना चाहिए बेबीज़ को होता है मोस्टली ये सब चीज़ें उससे बचाए रखता है, मेरे बेटे को सर्दी खांसी ये सब चीज़ों से बचाए रखता है। तो मैं अपनी डाइट में ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो कि हर मम्मी को लेनी चाहिए जिनका अभी भी बेबी हुआ है उनके लिए बहुत ज़रूरी। स्टार्टिंग के 40 डेज तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप जैसे अगर 6 मंथ के लिए, अगर आप साल भर के लिए भी करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कैसे आपका जो बेबी तो हेल्दी रहेगा ही, साथ में आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक डिलीवरी के बाद में ना बहुत सारे इश्यूज अपने आप बॉडी में निकलने लगते हैं, लाइक आपका स्टमक पेन तो रहता है, साथ में आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, थाइज़ में पेन होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली वीक होने लगती है बिकॉज हम लोग ने इतना बड़ा ऑलरेडी एक स्टेज जो हमारा लाइफ का जो है वो पार कर चुके रहते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये अजवाइन। सो मैंने अजवाइन ऑलमोस्ट बहुत सारा ख़त्म कर लिया है, मैंने एक एक कटोरी, मतलब मैं हर मील के बाद में, मतलब मैं जो भी मील लेती हूँ अपने हर मील के बाद में एटलीस्ट इतना लेके वो खाती हूँ। और जैसे अगर मैं कोई चीज़ ऐसी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद ये मेरी बेबी के लिए अनहेल्दी हो और मैंने वो ले लिया है, तो मैं उसके बाद में भी अजवाइन कंज्यूम करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी और बेबी के लिए भी। मैंने इसे बनाया है तो इसमें उन्होंने बेसिक जो अजवाइन है उसको अच्छे से भून के अजवाइन भी डाला है, कलौंजी जो आपको पता होगा ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं सो वो है इसके अंदर, है पम्पकिन सीड्स भी है और सनफ्लावर सीड्स भी है इसके अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो मम्मी ने बहुत बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई है, इसको भून के अच्छे से, कि अगर आप कच्ची खाओगे ना तो वो बहुत तीखी रहेगी, आपसे खाई नहीं जाएगी, तो आप उसको अच्छे से भून के खाओगे तो वो आपको बेनिफिट भी देगी और प्लस आप टेस्ट में इंजॉय करके उस चीज़ को खा सकते हो। और सीरियसली ये बनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है, मैं तो मस्त इंजॉय कर करके खाती हूँ इसे। सो हाँ, ये तो मेरी डिलीवरी के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी मेरी लाइफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शरीर को अभी तक किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई है, वो बहुत अच्छा फिट एंड फाइन है माशाल्लाह इन चीज़ों की बदौलत। और मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ जो डिलीवरी वाली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, आपने सुना होगा मेथी के लड्डू। सो गाइज़ मैंने तो बहुत खाए हैं मेथी के लड्डू। मैं पहले जब मेरे डिलीवरी हुई थी, मैं जब 40 डेज़ वाले पीरियड में थी, तो वो टाइम में तो गाइज़ मैंने एक एक दिन में 2 लड्डू मैं सुबह में मॉर्निंग में उठ के 8 बजे ही खा लेती थी। बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरे डाइट में, मम्मी मुझे ज़बरदस्ती नींद में से उठा के खिलाते थे वो चीज़ें। सो मोस्टली मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग के लिए क्यों हेल्दी, बिकॉज बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है गाइज़। और ऑपरेशन के बाद में जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है उसके बाद में मुझे ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, बिकॉज कैसा है कि मेरा जो डिलीवरी वाला सीन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। मेरा 9th मंथ में कुछ नहीं हुआ था, बट डिलीवरी मेरा नॉर्मल था, पूरा पेन वेन मैंने 5 to 6 hours मैंने पेन झेलने के बाद मुझे सडनली जाना पड़ा ऑपरेशन थिएटर में बिकॉज ऑफ सम रीजंस। इस पर डॉक्टर मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी और मुझे पेन काफ़ी था, जो डिलीवरी का पेन होता है लेबर पेन, तो मुझे कुदरती तौर पर वो पेन बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं काफ़ी देर तक के पेन में थी तो मेरा बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका था। उसके बाद में सडनली फिर मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ा। सो मेरे लिए उसके बाद में वापस से रिकवर करना, ये सब जो चीज़ें हैं जिस चीज़ से हम लोग गुजर चुके हैं इसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके लिए हेल्दी चीज़ें हैं जो हर लेडीज़ के लिए आप ट्राई कीजिए, आप क्या घर में बना सकते हैं तो वैसे बनाइए। मैं आपको इसमें ये तो सबसे पहले ये है लड्डू मेथी के, देखिए आप मैंने ये ऑलमोस्ट इतने ख़त्म कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा थे भर भर के। सो अभी तो फ़िलहाल मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह 4-4.5 महीने का हो गया है, तो मैं इसको एक एक ही कंज्यूम कर रही हूँ अभी, बिकॉज़ एक साइज़ भी आप देखिए काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा एक लड्डू मैं दिन में खाती हूँ। इसमें आपको काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स ही है, मतलब ये पूरा मोस्टली ड्राई फ्रूट्स से भरा है, काजू बादाम और किशमिश दिख रहा है मुझे इसमें, तिल्ली विल्ली है, गुड़ है। तो इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, मैंने मम्मी को बोला था कि प्लीज़ आप मुझे शूट करके देना कि आपने क्या क्या मिक्स किया, तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी उसका शेयर करूँ कि मम्मी ने इसमें क्या क्या डाला है।
काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और ये छुआरे। ये खोपरा है, इसको हमने ऐसे घिस दिए। भी इंग्रेडिएंट्स थे लाइक काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, ये सबको पहले मम्मी ने अच्छे से घी के अंदर, आपको भर भर के घी लेना है, उसमें अच्छे से इसको रोस्ट करना है। उसके बाद में इसको मिक्सर में पीस के हम लोग निकालेंगे लड्डू बनाने के लिए। सो उसके बाद गोंद को भी अच्छे से घी में भर के रोस्ट करना है। दीज आर नॉट जस्ट फॉर योर बैक पेन और बॉडी पेन इशूज, बट इट ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को, तो उसके लिए हेल्प करता है। आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज करेगा, ये हेयर नरिश करता है। मोस्टली प्रेगनेंसी में हेयर फॉल के इशूज होते हैं, उसके बाद में होते हैं डिलीवरी के, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलॉन्ग विद दिस, दिस ऑल्सो हेल्प फॉर योर अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, जो कि डिलीवरी के पहले हम लोग फेस करते हैं प्रेगनेंसी की जर्नी में, वो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इसमें गोंद है, गुड़ है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है और पम्पकिन सीड्स है और अलग अलग जो बारीक बारीक और मम्मी ने मुझे बताया है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सब चीज़ें हैं जो टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पे ये सब चीज़ों को खाना, अगर मैं कभी भी कोई भी टाइम में खाऊंगी तो बेनिफिट होगा, बट उतना वो वैसा वाला बेनिफिट नहीं होगा, और हो सकता है मेरे मिसबैलेंस की वजह से मेरे बेबी को भी उसका अफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं जैसे नानी दादी वो लोग बताते हैं, तो वही तरीके से मैं मेरी रूटीन जो है मैंने वैसे ही फॉलो करते आई हूँ, और टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की वजह से ही मेरे बेबी अभी तक के हेल्दी है वो, और उसको किसी चीज़ का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं मम्मी को थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने अभी तक के मेरा रूटीन रखा है, वो सब चीज़ें जो ज़रूरी है मेरे लिए वो सब मुझे खिलाई है, और अभी जो आगे की चीज़ें हैं तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी क्या क्या होने वाली है। तो मैं आपको बेसिक सबसे मेन चीज़ ये बताऊँगा कि प्लीज़ 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 अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो अगर आपका मन नहीं करता है कि मुझे मेथी के लड्डू नहीं खाने हैं या मुझे अजवाइन पसंद नहीं है, सो प्लीज़ अपने बेबी की तरफ देख के ये चीज़ें अवॉइड ना करें, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये आपके लिए है। इस सारी चीज़ों का जो आप हेल्दी चीज़ें खाओगे, ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी बेबी पे, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, जितनी भी नई मम्मीज हैं मैं उनको यही बोलूँगी मेरी तरफ से मैसेज, क्योंकि मैं भी अभी अभी बनी हूँ, मेरे लिए भी मतलब थोड़ा टफ हुआ स्टार्टिंग में सीखना, क्योंकि फर्स्ट बेबी है मेरा भी, तो सब चीज़ें, बट वो कुछ टाइम का पीरियड रहता है वो जो आपको लगता है कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो मुश्किल से मैं बोल रही हूँ आपको 3 to 4 weeks ऐसा रहता है, उसके बाद में आप सब चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे और आपको सारी चीज़ें भूल जाओगे। जब आपके बेबी का आप स्माइली फेस देखोगे ना, तो आपके लिए सारी थकान, वो आपका सारा दुख दर्द आप भूल जाओगे कि आपने कितना सब कुछ सहा है उसके लिए। और वो कहते हैं ना कि मतलब आपने अगर ये सब चीज़ें फेस नहीं की अपने बेबी के लिए, वो तुरंत डिलीवर हुआ है, एक माँ के लिए पूरी लाइफ चेंज हो जाती है उसकी, सिर्फ बेबी आने से, सिर्फ बेबी की नहीं माँ की भी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। रात भर उसके लिए जागना, उसको फीड करवाना, हर आधे आधे एक एक घंटे में उसको भूख लगती है बेबी को, उसका डाइपर चेंज करना, उसको अगर सर्दी खांसी है ये सब चीज़ों से बचाए रखना, वैसी हेल्दी चीज़ें अपने डाइट में डालना कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजह से उसको कुछ ही ना, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। बोलते ना एक माँ बनना ऐसा आसान काम नहीं होता है, सो इस माँ बनने के बाद मैंने जाना है कि माँ बनना वाकई में आसान नहीं होता है। अल्लाह ताला, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी नेमत से नवाजा, बेटा मेरा प्यारा, तब सबका बच्चा उसकी माँ के लिए बहुत प्यारा होता है, तो वैसे ही मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत अजीज़ है। जो 9 months की जर्नी हम लोगों ने निकाली रहती है, उसके बाद में इतना बड़ा चीज़ होना हमारे साथ में, एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान को निकालना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं जानती हूँ कि सब माँ ने बच्चे पैदा किया है, तो जब उन्होंने किया है, जब मैंने किया है, तब मुझे उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि गाइस मतलब सीरियसली ये कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद में डिलीवर करने के बाद तो असल ज़िंदगी शुरू होती है, कि उसके बाद का जो पीरियड होता है वो बहुत टफ होता है। सो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी गाइज, वो कुछ टाइम का पल रहता है, वो इतनी जल्दी चला जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको उसका एहसास होगा बाद में
आपके, मतलब आपको याद आएंगे वो पल, आपकी एक मेमोरी आपको याद आएगी कि यार कितना जल्दी मेरा बेबी बड़ा हो गया। गाइस मैं आज अपने बेटे को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा देख के लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो जा रहा है और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मुझे ऐसा लगे कि मैं इसको रोक लूँ, मैं यही टाइम उसके साथ रहूँ, यही पल है उसके साथ मेरे इन्जॉय करने के। सो आप बिल्कुल भी, अगर आपका है न्यूनी भी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मिल के आपको रात भर जागना पड़ता है, सताता है, रोता है, या बहुत सारे उसके इशू, वो बच्चा मासूम, वो क्या बोल सकता है, उसके लिए भी नई दुनिया है। मैं ऐसे टाइम में बोलूँगी हस्बैंड्स के लिए, मैं बोलूँगी प्लीज़ आपकी वाइफ की हेल्थ का, उसकी मेंटली हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिए। बिकॉज डिलीवरी के बाद में जो लेडीज़ होती है थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा इससे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहती है, बिकॉज वो बेबी से भी थोड़ा वो हो जाता है, मतलब नींद नहीं पूरी होना एक बहुत बड़ी वो चीज़ है कि बच्चा होने के बाद में नींद नहीं होती। ऊपर से रिसेंटली हम लोग ऑपरेशन से उठे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी क्यों ना हो उसमें बहुत पेन से उठे होते हो, और चीज़ें अचानक से आपके सामने आ जाती है। जो रिक्वेस्ट करूँगी मोस्टली हस्बैंड से, तो प्लीज़ ऐसे टाइम में आपकी वाइफ का सपोर्ट बने, उनका ख्याल रखिए, उनके लिए अवेलेबल रहे, उनके बेबी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको स्पेशली बहुत सारा प्यार दीजिए। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आसान हो जाएगी और आपकी लाइफ बहुत ही प्यार से हंसी खुशी गुजरेगी और ये टाइम भी चला जाएगा। सो गाइज़, अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपके लिए, और कहीं मेरी कोई चीज़ें आपके काम आ रही हो, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।